दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जो कि सोमवार रात 10 बजे से लागू हो गया है। वहीं ऐलान के इस बात से ही प्रवासी मजदूरों के लिए दोहरी समस्या सामने आ गई। एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर देखे जा रहे हैं, जो कि अपने गाँव जा रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे से मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर सोमवार के दिन की बात की जाए तो सोमवार के दिन कोरोना के नए 23,000 से अधिक केस सामने आए। वहीं 240 लोगों ने रिकॉर्ड कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। हालांकि तमाम तस्वीरों को देखते हुए, तमाम स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हालांकि 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लोगों से लगातार अपील दिल्ली सरकार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त ने भी लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान लोग पलायन ना करें, प्रवासी मजदूर पलायन ना करें। लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग देखी जा रही है। इस समय हम आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद हैं। लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं और केवल आनंद विहार बस अड्डा ही नहीं, सराय कालेखा और तमाम बस अड्डे और रेलवे स्टेशन है, मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों को विश्वास नहीं है कि केवल 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ये लॉकडाउन और भी अधिक बढ़ सकता है और यही वजह है कि लोगों का पलायन लगातार जारी है। हालांकि लॉकडाउन से पहले ही तस्वीर देखी जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गाँव की ओर जा रहे थे और बीते वर्ष की एक बार फिर से तस्वीर दोबारा दोहराती हुई दिल्ली में नज़र आ रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है महज, लेकिन बड़ी संख्या में पलायन फिर भी जारी है, क्या वजह है? मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है कब और लॉकडाउन बढ़ा दें। अभी तो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं कि कब कितना लॉकडाउन बढ़ा दें, इसलिए गरीब मार हो रही है, खाएंगे क्या पियेंगे क्या, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं। क्या लगता है अभी तो लॉकडाउन है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है, हालांकि दिन में ये तस्वीर देखी गई थी अब, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी संख्या में भीड़? ये बिल्कुल रहेगा जी, लॉकडाउन तो रहेगा ही रहेगा, ये लोग जाएंगे और मानेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, रोजगार इनके पास रहेगा नहीं, दिल्ली के अंदर खाएंगे क्या पियेंगे क्या, डेली कमाना डेली खाना। क्या लगता है स्थिति लगातार बिगड़ रही है लेकिन 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान इंतज़ार करना चाहिए था, लगता नहीं है? हाँ हकीकत है, हम तो साहब गांव से आए थे, कमरा खाली करते, लॉकडाउन लगने वाला है, कमरे का किराया चढ़ गया है, 3 महीने का किराया चढ़ गया मालिक पे, इसलिए हम कमरा खाली करने आए थे, कमरा खाली करके अब गांव जा रहे हैं। दिल्ली में काम नहीं है इस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी सर, काम नहीं है, मकान का किराया, खाने का खर्चा कहाँ से करेंगे, इससे बढ़िया तो अपने गाँव जाके रहेंगे, क्या करेंगे। क्या लगता है आप भी लोग गांव जा रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि 6 दिन का लॉकडाउन है, 6 दिन के बाद स्थिति संभल सकती है? नहीं संभल सकती, पिछली बार भी कहते रहे, उम्मीद कहते रहे, कैसे संभल जाएगी? पहले शनिवार इतवार लगाया, फिर कहा गया था अब 6 दिन और बढ़ा दिए, फिर 15 दिन कर देंगे। लेकिन इस भीड़ से और संक्रमण बढ़ सकता है, जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ में यात्रा करेंगे तो संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ रहा है, आप भी लोग यात्रा करेंगे और पॉजिटिव होने का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है, मानते नहीं है? हाँ मानते, वो तो मानते हैं, लेकिन मान क्या करें, हम परेशानी, हम लोग को 2 दिन आया हुआ दिल्ली हुआ मुझे, फिर वापसी जाना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। क्या कारण है? काम नहीं है ना, काम बंद हो गया सर, बात इसीलिए जाना पड़ रहा है अपने। तो लोगों की मजबूरी एक बार फिर से उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर रही है और साल पीछे जो तस्वीर देखी गई थी, यानी कि एक साल पहले जो तस्वीर लॉकडाउन के दौरान देखी गई थी, अब वो तस्वीर दोबारा दोहराती हुई दिख रही है। हालांकि लोग मानते हैं कि इस बार सार्वजनिक सेवाएं चालू हैं, यानी कि ट्रेनें चालू हैं, बसें चालू हैं, तो एक बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। दिल्ली में पूरी तरीके से रोजगार धंधे जो हैं वो ठप हो चुके हैं लॉकडाउन के दौरान, लोगों को उम्मीद है कि लॉकडाउन और भी अधिक बढ़ सकता है, जिस तेज़ी से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अगर लॉकडाउन बढ़ा तो दिक्कतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं और इस दौरान अगर बस सेवा बंद कर दी गई तो पिछले साल जैसी ही स्थिति हो जाएगी कि लोगों को पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा आनंद विहार बस अड्डे की, अगर मैं ये फुटओवर ब्रिज दिखाना चाहूँ तो इस पर बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं जो कि बस अड्डे की ओर जा रहे हैं और बस अड्डे के चारों ओर इतनी ही भीड़ दिख रही है। आज लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन महज 6 दिन का नहीं है, 6 दिन का ऐलान किया गया है, लेकिन दिल्ली में जिस तेज़ी से केसेस की संख्या बढ़ रही है और जैसी स्थिति है उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है
और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है। हालांकि देखना यही होगा कि सरकार जिस तरीके से अपील कर रही है, सरकार की अपील का लोग कितना विश्वास करते हैं। पुलिस आयुक्त अपील कर रहे हैं लोगों से कि पलायन का थमना चाहिए, लोगों को सरकार के प्रति विश्वास करना चाहिए, लेकिन देखना यही होगा कि सरकार पर लोगों को कब तक विश्वास हो पाता है और क्या अब ये लॉकडाउन जो लगाया गया है इसमें केसों की संख्या घटती है ताकि अब लॉकडाउन आगे बढ़ाने की स्थिति पैदा ना हो। कमिश्नर अतुल नेगी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।